सबसे पहले मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डाइट प्लान करना काफ़ी खराब अप्रोच होता है, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट डेंसिटी पे फिर फोकस नहीं कर रहे हो। ज़्यादातर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले एक बेसिक डाइट प्लान बनाओ जिसमें आप प्रोटीन को अकाउंट कर रहे हो और टोटल कैलोरीज को अकाउंट कर रहे हो, और उस हिसाब उसके बाद देखो कि क्लाइंट का रिस्पॉन्स कैसा होता है। कोई क्लाइंट्स हाई कार्बोहाइड्रेट से रिस्पॉन्ड करते हैं और कोई क्लाइंट्स हाई फैट से रिस्पॉन्ड करते हैं। उसी हिसाब से आपको मैक्रोज को सेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नेचुरली हाई फैट डाइट में रिस्पॉन्ड करता है तो उसको इक्वल कार्ब्स या इक्वल फैट्स करने में खास फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप उनके मेटाबॉलिज्म और उनके जेनेटिक्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देखोगे। इनिशियल डाइट बनाने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ लीन बल्किंग के लिए 40% प्रोटीन, 30% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट, और कटिंग के लिए 50% प्रोटीन, 20% कार्बोहाइड्रेट्स और 30% फैट।